हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 9। तो देखिए, मम्मी हट जा चुकी है खेत में। तो अभी मम्मी की लगी हुई है ड्यूटी खेत में जाने की, और घर का काम कर लेती हूँ मैं। तो जी, नाश्ता हमारा हो चुका है। नाश्ता करके मम्मी सुबह ही चली गई थी पापा और मम्मी खेत में, क्योंकि हमारी पर्ची आई हुई है और वहां पे ताऊजी अरबी छोड़ लेते हैं गन्ने, और जी और जो आस पड़ोस के हैं वे भी छोड़ लेते हैं। अब मम्मी भी एक दो गोला करके आ जाते हैं, क्योंकि गाय है इतना घास नहीं खाती, तो थोड़ा बहुत करके लेके आ जाते हैं। और इसके पापा तो अभी मामा जी के वहीं पे है, तो वे आज बोल रहे थे आने को, 3 दिन हो गए उन्हें कम से कम। और जी नानी ने वहां पे रख लिए थे, और उन्हें कुछ वहां पे काम भी था भैया के पास में। तो जी ये देखिए, यहाँ पे अर्णिका उठी हुई है फिलहाल, और जिसे इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे। एक हाथ में ग्लव्स निकाल दिया इसने, और एक में पहन रही है। देखिए इसमें तो पहन रही है, दूसरे वाले में से इसने निकाल दिया। और अभी मैं पानी पी रही थी, तो जी इसने सोचा पता नहीं क्या करे, ऊ कर रही ऊ, और तो ऐसे बोल रही कि कहती मुझे भी दे दो। जैसे हम कुछ खाते है ना, तो अभी मुंह चलाती है इसके पास बैठ के, और ये बोलती ऊ करती रहती है कि मुझे भी दे दो, है ना है बट्टा मेरे बच्चे। और ये देखो जी, टोपा वोपा उड़ा के फिट कर रखी, कमली है। और जी ये वाली पन्नी बनाई है हमने इसकी, इसमें पन्नी लगा रखी। वैसे तो मैट है इसके पास में रेडीमेड वाले, लेकिन ये एक दो पन्नी हमने एक्स्ट्रा बना के रखी, क्योंकि अगर वे गिल्ले हो जाए फिर ये जरूरी है बिछानी बच्चे के नीचे। और तो देखिये कमली बिछी हुई है, गद्दा बिछा हुआ है, और ये पन्नी बिछी हुई है, और जी कम्बल ओढ़े हुए है। और कंबल कंबल तो रात को उतार देता है मेरा बेटा, हैं उतार दो ना। और फेस के पास में ये आ रहा टोप्पा, टोप्पा आ रहा, और गर्दन घुमाती रहे ना यार, ये देखो। और टोप्पा मैंने इसे गर्म उड़ा के रखा है, क्योंकि फिलहाल ठंड बहुत ज्यादा हो रही। वैसे तो दिन में तो इसे उड़ा दे सुत्ती से टोप्पे हम, क्योंकि दिन में भी नहीं उतारते, हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती ना बिल्कुल भी, तो इसी वजह से हम उतारते नहीं टोप्पे है। हाँ मेरा बच्चा जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और फिर जी करना है काम, कुछ तो हो गया, कुछ रह गया बाकी। तो जी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, और देखिए कैसी एक्टिविटी करती है फोन को देख के, है? और अभी छत की साइड देखती रहे। और अगर ये बैठ के यहाँ पे शीशा लगा हुआ है ना, इसे गोद में ले ले हम, तो शीशे में देख के खुद ब खुद खुश होती रहे। इसलिए मैं सोच रही हूँ पर्दा लगा ही दूँ इस पे जो इसका कवर है, क्योंकि बच्चे को शीशे में नहीं दिखाना चाहिए। बोलते हैं कि दांत उल्टे निकलते हैं, उल्टा का मतलब सबसे पहले ऊपर के दांत निकलते हैं, और जी वे निकलने अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं माना जाता। और बोलते हैं कि मामा जी पे बहुत ज्यादा कड़ाई हो गया जो उल्टे दांत निकलते हैं। तो जी ये पर्दा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसे गोदी में ले लें और डकार दिलानी पड़े इसे दूध पिलाने के बाद, तो इस शीशे में देखती रहे और खुश होती रहे बहुत ज्यादा है? हमने सोचा था कि सभी की कमेंट आ रही थी उतार दो उतार दो इसे उतार दो, हमने उतार दिया था वो कवर, लेकिन फिर भी दोबारा से हमें लगाना पड़ेगा। तो जी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। थोड़े से कपड़े धोए पड़े, शाम के टाइम उतार देते हैं ये अर्णिका के कपड़े, मुझे एक एक करके सभी जगह तय लगानी है इसमें, और झाड़ू वगैरह ये सभी चीजें मैंने लगा दी है, वो सभी लग चुका है। तो जी मिलते हैं आपको हम थोड़ी सी देर बाद, तब तक हम अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं। वैसे तो अकेली खेलती रहे, अगर इसे बोल दिया ना जाके तो ये रोने लगेगी, फिर जब ये रोने लगे जब आवे हम इसके पास में, वरना खेलते रहे इसके पास में बैठे रहे। और आज सिलने हैं मुझे इसके एक दो टोपा सिलना है, मैं जो कपड़े की ये तो उतरते रहती है, मैं यहाँ पे तनी बन जाती है ना बच्चे के, वो वाले सिलने हैं। और मम्मी बोल रही थी मम्मी मशीन रख के चली गई है मेज पे, तो मैं बैठ के सिल लूंगी। अभी वजन का काम मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, देखो जी बाल्टी बाल्टी उठाना, तो मैं टोपे सील लूंगी, क्योंकि यहाँ पे टेलर वगैरह हैं तो, पर इतने अच्छे नहीं सिले टोपे, तो मैं खुद सील लूंगी, देखती हूँ सील कर। मेरी मम्मी ने सिखाई हुई है मुझे कि टोपे बच्चों के ऐसे बनते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी ने भी के भेजे थे मैं बैग में, वापसी के वापसी चले गए, मैंने जेब जो बैग की थी वो मतलब की ध्यान नहीं रही टटोलनी, तो इसी वजह से मैं वापसी चले गई टोपे। तो मम्मी बोल रही कि वंदना तुमने तो ये देखे भी नहीं टोपे में सील के भेजे थे, मैं कोई नहीं मम्मी मैं सील लूंगी, और मुझे तो पता ही कैसे सीलने। तो जी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स देखिए झाड़ू सभी जगह को लग चुकी है, और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो देखिए इसमें डाला हुआ है मैंने फिनाइल, और जिससे कि मक्खी वगैरह ना आए,
और ये देखिए व्हाइट कलर का पानी हो रहा, और इस वाले रूम में को मैंने लगा दिया, पर्दे लगा दिए लगा के। तो चलिए जब बाहर बरामदे में लगा लेते हैं, फिर दूसरे वाले रूम में लगा लेंगे। तो जी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो चलिए जी पोछा लगाते हैं। और अर्णिका रोने लगी, सो रही थी और रोने लगी वहां पे, देखो हैं क्या होगा मेरे गुड्डे सुसु करेगा। और टोप्पा नाच के मुंह पे आ जाया वो, इसलिए तो फिर अंकों पे तो रोने लग गया। चलो सो जाएगी। और इस कमरे में भी बेड पे कुछ ऐसे नहीं करा, चादर पड़ी है और बेड पे कंबल पड़ा है अर्णिका सो रही। तो हम बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने बाहर को और दूसरे वाले कमरे में को पोछा लगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, जो बड़े वाला रूम है हमारा, और इसमें सो यहाँ पे सो रही है अर्णिका। तो मुझे लगाना है पोछा, तो मैं देखिए पोछा लगा रही हूँ और मोप वाले से लगा रही हूँ, खड़े होकर कम्फर्टेबल लगे और ठंड हो रही, ना पानी में हाथ देना ना कुछ, क्योंकि अर्णिका की वजह से ठंडे पानी में हाथ देना मम्मी मना करो जाओ मुझे। तो जी दोनों काम हो जाएंगे, ना ठंडे पानी में हाथ देने पड़ेगी और ना जी पोछा गया होगा कि हाँ पोछा नहीं लगाया हमने। और बैठ के कैसे खड़े हो गए कैसे भी लगा दो, बहुत अच्छी तरह लग जाता है ये। और फिनाइल डाल रखा हमने, जिससे कि मक्खी वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा ठंड में। और इसमें काफी सारे मतलब कि इसके पापा लेके आए थे अर्णिका के फिनाइल, तो डाल के वाइट वाइट सा पानी हो जा रहा इसका। और स्मेल सी आ रही अजीब सी, तो अर्णिका को हम धूप में भी ले जाते हैं छत पे। तो फ्रेंड्स देखिए दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज चुके हैं 12। और जी आज आ गया है पशुओं को नहलाने का नंबर, क्योंकि लाइट आ चुकी थी तो इसी वजह से मम्मी नहला रही है पशुओं को। और आज बछड़ा खेत में नहीं गया है, ताऊजी अपना कटड़ा लेके चले गए हैं। और श्यामा ये रही, इसे भी नहलाई जाएगी। और गौरी नहाने लग रही, देखो कितनी शांति से नहा रही। और मंगलू को नुआने, क्योंकि ये न्यू बोर्न बेबी है अभी, छोटा बच्चा है अभी ये, तो इसका ठंड लग जाएगी, तो इसी वजह से नहीं नहलाएंगे इसे। अब बस तीनों नहाएंगे ये, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं नहलाना चाहिए। और अर्णिका इधर आ गई है, ये देखिए बस सोने लग गई। पापा की लोई पे लेट थी ना, नहला के इसे ले आए है, काजल ने डाली इसका भी। हाँ सोती सोती अंगूरे दे रही, बोल रही है क्योंकि इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे हम छत पे, तो हम इसे नीचे लेके आ गए हैं। मम्मी बोल रही थी कि चलो थोड़ी देर नीचे घूम के आते हैं, पापा खेत में गए हैं। और बस देखिए गोरी नहा चुकी है और लाल लाल हो जाती है गोरी नहाने के बाद। और श्यामा थोड़ी सी गंदी हो रही, क्योंकि कई कई दिन में नहलाते हैं, ठंड आ चुकी है बहुत, और हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती, तो इसी वजह से हम इन्हें ज्यादा नहलाते नहीं। और मंगलू को पे बोरी बांध रखी है, देखिए पापा ने फिट कर रखा इसका सोल साल उड़ा के, जिससे कि इसे ठंड न लगे। और गदगदा देखे कितना है इसके नीचे, पुराली पत्ती बहुत सारी। और एक कटोरा है इसका खाने का, गद्दा बना दिया इसका। कटोरे से मैं इसमें रख रखा घास सारा। मंगलू इधर को करिए मुंह, ले आया नहीं करता इसके कान, अपनी मम्मी जैसे है, इसकी मम्मी के कान है लंबे लंबे, ऐसे इसके कान है लंबे लंबे, देसी बछड़ा। आइए पापा ने लगा रखी लिफ्ट, जब भी बाल्टी वगैरह टांगनी हो तो इसमें टांग के ऊपर खींच ले, दे नीचे सारा सामान। और जी अर्णिका सो गई है ये देखिए फिलहाल यहाँ पे।
और इसे पापा की लोई के ऊपर लिटा दिया और नला दुला के फिट कर दी इसे बस आज इसे का, क्योंकि नाना भी जरूरी है बच्चों का, रोज तो नहीं लगते थे, कभी कभी नहला में फिर इधर गोरी नहाने लग रही और फिर फर्श धो देंगे, पहले इन्हें नहला के फिर फर्श धोएंगे। तो देखिए ना चुकी है, तो चलिए जी। और जी मुंह धुलाने में बहुत दिक्कत कराए, मुंह नहीं धोते ना गाय धोते, गाय ना तो देखो धोया नहीं, सूखा पड़ा मुंह उसका, और बच्चा भी धुलाती है शामा भी नहीं, कोई से नहीं धुलवाते, पशु है भैंस तो धो लिया मुंह, जो भैंस होगा गाय नहीं धोती बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना, तो जी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो जी मिलते हैं आपको एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।